सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर तीन रीट अभ्यर्थी 50,000 पदों को लेकर अपना मुंडन करवा रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं। एक ही मांग है रीट के पद 50,000 किए जाएं, और ये खास राजस्थान पर आप तस्वीर देख रहे हैं। काफी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर डटे हुए हैं। एक ही मांगे रीट के पद 50,000। 70 से अधिक विधायकों को लिख के दे चुके हैं। उन विधायकों ने सरकार को लिखा भी है कि रीट के पद वो बढ़ाया जाए, क्योंकि एक तो काफ़ी लंबे समय से ही वैकेंसी निकाली, और सरकार एक तरफ कहती है कि आज से पहले ऐसा हुआ है क्या, तो वसुंधरा की सरकार में पहले ऐसा हो चुका है, पद बढ़ोतरी हो चुकी है। ये मुंडन करवाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश चौधरी। कहाँ से हो लोकेश जी? क्यों करवा रहे हो मुंडन? रीट के पद 31,000 से 50,000 करवाने के लिए। रीट के पद 31,000 से 50,000 करवाए, एक ही सरकार से इनकी मांग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जय मांझीवाल। क्या नाम है? जय मांझीवाल। जय मांझीवाल, क्यों करवा रहे हैं मुंडन आप? राजस्थान सरकार का जो जमीर है ना, वो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए हम दिन प्रतिदिन नए नए प्रयास कर रहे हैं। आज हम मुंडन करवाएंगे, मुंडन करवा के सरकार को जगाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे पद रीट के 31,000 से 50,000 हो जाएं। 31,000 से 50,000। सरकार को ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये जितने भी बेरोजगार हैं इस कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे सर्दियों में सोते हैं यहाँ, लेकिन सरकार को ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हम सरकार को जगाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि युवा जगा हुआ है, उनके बेरोजगारों की मांग को पूरा करें। क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी। आखिरकार आपको ये क्यों निर्णय लेना पड़ा कि मुंडन करवाना पड़ा? सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार सर। हमें रीट के 31,000 से बढ़ाकर 50,000 पद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार कह रही है आज से पहले ऐसा कभी हुआ है क्या? हुआ है। कब हुआ? 2018 में जब बीजेपी सरकार थी, उसने 28,000 से बढ़ाकर 54,000 कर दी रीट, 50,000 बढ़ दी। हम भी कहना चाहते सर इसी सरकार से। बीटी कल्ला कह रहे की सीएम साहब के हाथ में है, तो सीएम साहब से आपका आश्वासन मिला भी है, बात भी हुई है, क्या कारण रहा अभी तक कि नहीं किए गए, और सरकार की तीसरी वर्षगांठ भी आज।